तो जहां से भी मिले, तो इसके सामान्य जानकारी में अभी देखें हम राजस्थान के संदर्भ में, तो एक नाम आता है डॉक्टर एसपी सूद सर, ठीक है। तो पुस्तकालय विज्ञान की प्रतिष्ठित पत्रिका है ग्रंथालय विज्ञान, जो जयपुर से प्रकाशित होती है, और उनके संपादक है डॉक्टर एसपी सूद सर, जिनका प्रकाशन जो है वो कोला फाउंडेशन है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन अपन हमारे सामने आता है रंगानाथन। हम सभी जानते हैं भारतीय पुस्तकालय के जनक डॉक्टर रंगानाथन जी। तीसरा ऑप्शन है हमारा मेलविल डिवी, जिन्हें हम आधुनिक पुस्तकालय के जनक के रूप में जानते हैं। तो हमारे सामने चौथा ऑप्शन आता है जेडी ब्राउन। तो जेडी ब्राउन इसका सही आंसर है ओपन एक्सेस सिस्टम का। आप में से कोई ये बता सकता है कि जेडी ब्राउन सर के, यानी कि कौन सा क्लासिफिकेशन है हमारे सामने हम पढ़ रहे हैं जेडी ब्राउन सर का? नहीं, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो 1906 में आया है, ठीक है। और इनके बारे में और क्या है कि इसमें 2002 में बुड्डा फेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की घोषणा हुई थी, जिसमें इनफ्लिपनेट द्वारा ओपन एक्सेस इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे आपकी शोध गंगा है, इनफोर्ट है और शोध गंगोत्री है, ये तीनों भी ओपन एक्सेस सिस्टम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सामयिक प्रकाशनों की एंट्री करते समय सीसी में स्पॉन्सर के नाम तथा चार, अच्छा, प्री नेटल कैटालॉगिंग, प्री नेटल कैटालॉगिंग शब्द किसने दिया और क्या होता है? डॉक्टर रंगानाथन जी ने प्री कैटल नेटोलॉग दिया है, प्री नेटल कैटालॉगिंग, और जिसका होता है यानी प्री पब्लिकेशन कैटालॉगिंग, पूर्व प्रकाशित सूचीकरण, है ना, नोट कर लीजिए, पूर्व प्रकाशित सूचीकरण। यूट्यूबर से भी निवेदन रहेगा, वो पेन और कॉपी लेकर के नोट डाउन करते रहें, वीडियो को रोक रोक करके आप लिखते रहें। आपके ये जो 50 प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, तो वो करीब आपके 200 से 250 क्वेश्चन आप लेकर के जाएंगे अगले 1 घंटे में, ठीक है। पांचवा प्रश्न है आपका, सामयिक प्रकाशनों की एंट्री करते समय सीसी में स्पॉन्सर के नाम तथा उसके प्रॉपर टाइटल को लगाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन आ रहा है आपका, सामयिक प्रकाशन की एंट्री जो अपन सीसी में करते हैं, उनके नाम तथा उनके प्रॉपर टाइटल लगाया जाता है, वो किससे लगाया जाता है, कौन से चिन्ह से लगाया जाता है? ऑप्शन है अपना कॉलन से, कॉमा से, सेमी कॉलन से या स्पेस से। सही आंसर रहेगा अपना कॉमा से। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑनलाइन दो कथन दे रखे हैं, इन पे हमें देखना है कि कौन सा सत्य कथन है। ऑनलाइन पहुंच में वर्गीकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वर्गीकरण वार्षिक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ये दो ऑप्शन है, और हमें पूछा है कि इन दोनों कथनों पर विचार करना। वर्गीकरण हम किताबों का, हमारे पुस्तकालय है उनका, कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन वर्गीकरण कह लेंगे, पहला कथन आपका गलत रहेगा। और वर्गीकरण की वार्षिक भूमिका रहती है, रिपोर्ट रहती है कि नहीं रहती? रहती, बिल्कुल रहती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल 2 नंबर, ठीक। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय मानक यानी स्टैंडर्ड जो 15339 2003 किससे संबंधित है? यह प्रश्न आपका आ रखा है एमपीपीसीएस, एमपीपीसीएस के लाइब्रेरियन पेपर में यह स्टैंडर्ड का, मानक स्टैंडर्ड का प्रश्न आ रखा है। तो हमारे सामने ऑप्शन है विद्यालय पुस्तकालय से, विशिष्ट पुस्तकालय से, शैक्षणिक पुस्तकालय से या सार्वजनिक पुस्तकालय से। इसका सही आंसर रहेगा आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। इन सभी चारों के स्टैंडर्ड भी हमें पता होने चाहिए, तो वो आप ढूंढिए और पता कीजिए कि इन चारों के स्टैंडर्ड कौन से हैं, कि आगे भी प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा अपन जो स्टैंडर्ड अभी बताने जा रहा हूँ, वो पुस्तकालय भवन का एक स्टैंडर्ड लिख लीजिए जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, और एक सीडी रोम जो अभी चल रहा है उसका भी स्टैंडर्ड पूछा जाता है। तो पुस्तकालय भवन का स्टैंडर्ड रहेगा आपका IS 1553 1553 1960, 1553 1960, और सीडी रोम का रहेगा ISO 9960 9960, लिख लिया।
अगला क्वेश्चन है अपना मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जनक। अभी हमने पहले ही बात की है आधुनिक पुस्तकालय, इससे आपको पता चल गया मॉडर्न लाइब्रेरी मेलविल डेविस सर इनके जनक रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे दो शॉर्ट फुल फॉर्म दे रखी है BSO और ISO, ये हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। BSO का रहेगा आपका ऑर्डर ऑफ ब्रांडिंग सिस्टम, जो कि एक वर्गीकरण प्रणाली है, लिख लो ऑर्डर ऑफ ब्रांडिंग सिस्टम। और डी ऑप्शन में है ISO, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तत्काल संदर्भ सेवा रेडी रेफरेंस सर्विस, डॉक्टर रंगनाथन सर ने। तो हमारे सामने यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि दीर्घकालीन सेवा किन्होंने स्टार्ट की, वो भी रंगनाथन जी की है। एक आता है CAS और CDI, दो प्रणाली रहती है हमारे सामने। तो CSI यानी कि सामयिक जागरूकता सेवा और SDI चयनित सूचना प्रसार सेवा। तो समसामयिक जागरूकता सेवा 1955 में प्रारंभ हुई, लिख लीजिए CAS 1955 में, और SDI रहेगी आपकी 1958 में। SDI SP लुहान सर की है, हाँ, चयनित सूचना प्रसारण सेवा 1958, और समसामयिक जागरूकता सेवा CAS 1955 में प्रारंभ। 10 नंबर प्रश्न है आपका, डेसिमल क्लासिफिकेशन तथा कॉलन क्लासिफिकेशन एक परिप्रेक्ष्य के लेखक है, पुस्तक है, इसमें आपको बताना है कि लेखक कौन है, ठीक है। इनके लेखक रहेंगे आपके RS पारखी सर, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कॉलन क्लासिफिकेशन। एग्जाम में एक पुस्तक का के लेखक का नाम जरूर आएगा, चाहे रंगनाथन जी की पूछे, चाहे मेलविल डीवी सर की पूछे, या अन्य किसी भी लाइब्रेरी साइंस के विद्वान की पूछे, कि बुक राइटर का नाम एक जरूर आता है, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। अगला 11 नंबर पे चलते हैं, ग्रंथाना निम्नलिखित में से किसका आधिकारिक प्रकाशन है? ग्रंथाना, ग्रंथाना आपका RRLF का रहेगा, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 12, DDC का इंडेक्स है, DDC का इंडेक्स है, इन चार ऑप्शन है आपके सामने, चार इंडेक्स दे रखी है, इंडेक्स टू शेड्यूल, रिलेटिव इंडेक्स, कोऑर्डिनेट इंडेक्स, एनालिटिकल इंडेक्स। सही आंसर आपका रहेगा रिलेटिव इंडेक्स। तेरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? ठीक है, संस्थाएं दे रखी है, नहीं आपकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है, INB की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? मंथली, ILA बुलेटिन की क्वार्टरली, ISLIC बुलेटिन की क्वार्टरली, ये तीनों तो सत्य है। जो BNB मंथली दे रखा है वह असत्य है, क्योंकि यह साप्ताहिक प्रकाशित हो रही है, और इसका ऑनलाइन जो है वो डेली अपडेट वर्जन हो रहा है BNB का। 14 नंबर है आपका, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल किसने करवाई? चार संस्थाएं दे रखी है आपको, यानी कि उन्होंने कौन सा प्रोग्राम जो करवाया है वो आपको बताना है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स किस संस्था के द्वारा करवाया गया। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा IFLA, और चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, FID, IFLA, ALA और UNESCO। तो UNESCO ने बहुत सारे प्रोग्राम करवाए हैं, जिनमें से कुछ प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। एक तो PGIE है इनका, जिसकी फुल फॉर्म रहती है सामान्य सूचना प्रोग्राम, 1976 में आया था UNESCO का PGIE प्रोग्राम था, जो 1976 में करवाया गया सामान्य सूचना प्रोग्राम। और एक है 1982 में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष, जो उनकी 10वीं जयंती पर करवाया गया, जिसका टाइटल था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ बुक,
नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किया है? प्रकाशन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा आपका, ये फिक्स रहते हैं क्वेश्चंस। किताब आना है, किताब राइटर पूछना, उनके पब्लिकेशन पूछना, फ्रीक्वेंसी पूछना, ठीक है, तो क्वेश्चंस बनते ही ऐसे। तो अब हमारे सामने है टैगोर बिब्लियोग्राफी, किस संस्था द्वारा प्रकाशन किया जा रहा है? तो इसका रहेगा आपका सही आंसर RRLF, RRLF के। और अभी एक हमने पहले आधिकारिक प्रकाशन भी पढ़ा था, ग्रंथाना, तो ये भी इसी का है। और एक RRLF न्यूज़लेटर भी इसी का प्रकाशन रहता है। अब ILA के प्रकाशन कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होने चाहिए। यानी कि सभी संस्थाओं के हमें प्रकाशन दो दो चार चार पांच पांच रहते हैं। प्रकाशन और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या है, मंथली है, वार्षिक है, या क्वार्टरली है, बी मंथली है, यू। तो ILA के प्रकाशन भी है, ILA बुलेटिन, एब्जिला, जिला, और इन तीनों की फ्रीक्वेंसी आपकी त्रैमासिक रहेगी। किसकी? ILA बुलेटिन, एब्जिला और जिला, इन तीनों की रहेगी त्रैमासिक। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके साथ फिल्टरी सीक्वेंस संयोजित होता है? फिल्टरी सीक्वेंस आपका क्लास नंबर के साथ में रहेगा, सही आंसर ए। अच्छा, 16 नंबर आपका है, विषय विधि हेतु प्रयुक्त योजक चिन्ह है, डॉट, स्लैश, गोलाकार कोष्टक, हाइफन, हाइफन नहीं, गोलाकार कोष्टक, ठीक है। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर है आपका, वर्गीकरण की प्रक्रिया के लिए रंगानाथन द्वारा कितने चरण बताए गए हैं? 17 भी आपको बता दिया था ना, इससे पहले 16 से पहले हमारा 17 नंबर हुआ था, है ना। क्लास नंबर में किसके साथ फिल्टरी सीक्वेंस संयोजित होता है? क्लास नंबर, ठीक है। 18 नंबर है, वर्गीकरण की प्रक्रिया के लिए रंगानाथन के द्वारा कितने चरण बताए गए हैं? ऑप्शन है हमारे सामने 6, 7, 9 या 11। 9, 0 से 8 तक के हमारे रहते हैं, ठीक है। उनके टाइटल्स भी पूछे जाते हैं कि वो कौन कौन से रहते हैं, तो आप लिख लीजिए। 0 नंबर से रहता है अपरिष्कृत संस्करण, जो पहला है रॉ टाइटल, लिख लीजिए 0 नंबर, अपरिष्कृत संस्करण, रॉ टाइटल। 1 नंबर रहता है अभिव्यंजक शीर्षक, एक्सप्रेसिव टाइटल। तीसरा है सारपद्य आख्या, कर्नाल फॉर्मेट। चौथा है विश्लेषित शीर्षक, एनालिसिस टाइटल। पांचवा रहेगा रूपांतरित, छठा आपका मानक पद्य, सातवा आपका नाभिकीय फोकल नंबर, आठवा आपका वर्ग संख्या, और नवा सत्यापन वेरिफिकेशन। 19 नंबर, किसके द्वारा 1953 में यूनिटर्म इंडेक्स को विकसित किया गया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, डॉक्टर रंगानाथन, एचपी लुहानसर, मार्टिमर ट्यूब और जे केसर। नहीं, जे केसर, इस इनका सही आंसर रहेगा आपका जे केसर। अब पहला ऑप्शन आया है डॉक्टर रंगानाथन, तो डॉक्टर रंगानाथन सर की एक बुक रहेगी, फाइव लॉज, जो 1928 में प्रकाशन उसका होता है, 1931 में। दूसरा ऑप्शन है आपका एसपी लुहानसर, जो हमने अभी पढ़ा था, SDI 1958, ठीक है। 20वां प्रश्न है आपका, 5 मूलभूत श्रेणियों में से डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार किसकी पहचान करना मुश्किल होता है? आपके 4 ऑप्शन है, पदार्थ पक्ष, स्थान पक्ष, ऊर्जा पक्ष, व्यक्तिगत पक्ष, जिसे हम PMEST कहते हैं। प्रश्न आपका रिपीट करता हूं, 5 मूलभूत श्रेणियों में से डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार किसकी पहचान करना सबसे मुश्किल होता है? पर्सनालिटी, व्यक्तिगत, है ना, सबसे मुश्किल रहता है व्यक्तिगत पक्ष को छांटना, ठीक है।
हाँ, तो हमें इनके चिन्ह भी पता होने चाहिए कि पर्सनालिटी का कॉमा रहता है, मैटर का सेमीकॉलन रहता है, एनर्जी का कॉलन रहता है, स्पेस का डॉट रहता है, टाइम का इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रहता है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और किताबें जमाने का क्रम जो रहता है वो PMEST ना रह करके उल्टा रहता है, विपरीत क्रम। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। 21 नंबर प्रश्न, इनविजिबल कॉलेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पहले तो ये बताओ कि इनविजिबल कॉलेज कहते किसे हैं अपन? भाई इसका शब्द हमें पता होगा अर्थ, तो हम इसका यानी कि आंसर निकाल लेंगे। और अगर हमें समझ में ही नहीं आएगा कॉलेज के, ये कौन सा कॉलेज नया आ गया, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। तो हमारे सामने जो इनविजिबल आया है वो अनौपचारिक के लिए आया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के मध्य अनौपचारिक संचार होगा वो इनविजिबल कॉलेज रहेगा। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? डार्क सोला प्रांस ने। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न अगला आ रहा है आपका, 22 नंबर, जो सभी कंफ्यूजन में रहते हैं। सीसी में मुख्य वर्ग के साथ पर्सनालिटी को किस योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है? हम कहेंगे कॉमा से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही हमें वहां पे कॉमा मिलता है, लेकिन हमें नॉलेज ये होना चाहिए कि यहाँ पे सीसी शब्द दिया है जिसमें किसी भी चिन्ह का पर्सनालिटी के लिए प्रयोग में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, और कई बार यह एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, सेयर्स के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन की रचना किस सन में की गई? हमें यह भी पता होना चाहिए कि सेयर्स कौन थे। ठीक है, तो रंगनाथन जी के गुरु भी रहे हैं सेयर्स, उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने फाइव लॉज को लिखा था। ठीक है, तो इनका इनकी ये रहेगा आपका, ऑप्शन दे रखे हैं 1915, 1933, 1909 और 1906। तो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 है, इनकी कुछ और पुस्तकें भी है, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन ये भी आपको 1915 में ही है, सेयर सर की है। ठीक है, क्या? हाँ, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1918 सेयर सर की बुक है, मैनुअल टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1926 ये भी सेयर सर की बुक है। यानी कि चार किताबें आपके सामने होगी, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन 1915, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1918 और मैनुअल टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1926। अगला 24 नंबर प्रश्न है, वर्गीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस स्थान पर किया गया? हमारे सामने चार ऑप्शन है, मिस्र में, चीन में, रोम में या जापान में। जापान में नहीं, चीन में। सही आंसर रहेगा चीन में, बी। 25 नंबर है, भारत में किस राज्य में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया? भारत में कितने पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं अभी तक? 19। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, हमें नहीं पता कि पहला कौन सा है। ठीक है, तो हमें इनके सन याद कर लो कि किस सन में कौन सा अधिनियम हुआ। तो पहला ही हमारा है तमिलनाडु, जो मद्रास है 1948, कर्नाटक 1965, बिहार 2008 और आंध्र प्रदेश 1960। तो हमारा सही आंसर रह जाएगा तमिलनाडु, मद्रास 1948। 26 नंबर प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में शामिल नहीं है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब आया? 1954 में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल है और क्या क्या नहीं है ये आपको देखना है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, दृश्य श्रव्य प्रलेख। डी आंसर सही रहेगा, दृश्य श्रव्य प्रलेख। तो 1954 में आया था जब तो एक पुस्तकें ही शामिल थी, तो फिर ये बताएं पत्रिकाएं और समाचार पत्र कब संशोधन करके शामिल किया गया? 1956 में, 1956 में, 1956 में संशोधन करके शामिल किया गया था। और हमारे सामने आया कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, तो डिपोजिटरी लाइब्रेरी अभी थी, कितनी थी?
चार कौन कौन सी, तो वो भी नोट कर लो। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता, कॉनिमेरा पब्लिक मद्रास, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। राष्ट्रीय पुस्तकालय में निम्नलिखित मुद्रित सामग्री का निक्षेपागार है, निक्षेपागार यानी रूप है। राष्ट्रीय पुस्तकालय में मुद्रित सामग्री का रूप कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके। भारत में उत्पादित मुद्रित साहित्य, भारतीयों द्वारा लिखित साहित्य जो विदेशों में मुद्रित होती है, विदेशियों द्वारा भारत से संबंध लिखा गया साहित्य, या इनमें ये सभी, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय में मुद्रित सामग्री ये सभी है। डी ऑप्शन सही रहेगा। 28 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की परिकल्पना कब की गई? पहले ही आपको बता दिया 1928 में, और पब्लिकेशन यानी कि उनको प्रकाशित कब किया गया, 1931 में। हाँ नहीं, इसका आंसर परिकल्पना कब की गई यानी सोचा कब था, लिखी यानी कब गई, 1928 में। ठीक है, 29 नंबर है आपका, कितना सरल, कितना छोटा, कितना गूढ़ यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, पुस्तकालय वर्गीकरण के आदर्शक सिद्धांतों से, पुस्तकालय सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांतों से, वर्गीकरण के उपसूत्रों से, या पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों से। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों से, और पर्टिकुलर अगर ये पूछा जाए कि कौन से सूत्र का के बारे में ये कहा गया, पहले के, दूसरे के, तीसरे के या पांचवे के, तो यह हमारा सही आंसर रहेगा। पहले सूत्र के बारे में कहा गया है कि यह कितना छोटा, कितना गूढ़ और कितना सरल है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर रंगानाथन ने किसकी तुलना उपनिषद के आचरण संबंधी नियम सत्यम वदम, सत्य बोलो से की गई है? ऑप्शन है आपका पुस्तकालय के नियमों से, आदर्शक सिद्धांतों से, 5 सूत्रों से और मूल सूत्रों से, यानी 5 लॉज से, 5 सूत्रों से। 31 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान में कानून भी उतने ही प्रमाणिक है जितने जितना कि, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आपका रहेगा कि पुस्तकालय विज्ञान में कानून भी उतने ही प्रमाणिक है? तो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और चार्ल्स डार्विन क्रम विकास का सिद्धांत। ये जिस तरह से साइंस में है उसी तरह से लाइब्रेरी साइंस में पुस्तकालय विज्ञान के कानून उतने ही प्रमाणिक है, उपरोक्त सभी। अगला हमारा रहेगा 32 नंबर, पुस्तक रैंक का रैंक की आदर्श ऊंचाई कितनी है ना? एक प्रश्न इससे संबंधित भी रहता है हमारा एग्जाम में, 2016 का उठा करके देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे 10 से 20 रहेगी आपकी सेंटीमीटर पैमाने के रूप में, तो वो हमें लाइब्रेरी पता होनी चाहिए कि भवन कितना होना चाहिए, मेज कितनी होनी चाहिए, चेयर कितनी होनी चाहिए, किस शेप में होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कैटलॉग कार्ड का माप क्या रहेगा सभी का, है ना? तो यहाँ पे अपना पूछा है पुस्तक रैंक की आदर्श ऊंचाई कितनी है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 6.5 से 7 फिट, बी ऑप्शन है 6 से 7 फिट, सी है 6.25 से 7 फिट और डी है 6.75 से 7 फिट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, 6.25 से 7 फिट। ठीक नहीं, 6.25 से 7 फिट, यहाँ पे आदर्श ऊंचाई पूछा है आपका, तो इसका सही आंसर रहेगा 6.25 से 7 फिट। और अगला प्रश्न है, दो रैंकों के बीच में छोड़े जाने वाला प्रमाणित, लाइब्रेरी में अपने दो रैंक लगी रहती है उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, तो वो भी पैमाना हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन है आपका 6.5 से 6 फिट, 4 से 6 फिट, 3 से 5 फिट, 5 से 6 फिट, चार ऑप्शन है आपका, तो सही आंसर रहेगा 4.5 से 6 फिट। हमें हर चीज का पता होना चाहिए, जैसे कुर्सी है तो जमीन से कितनी ऊंचाई पे होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर, और मेज है तो उसकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, तो ये सभी हमें पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 34 नंबर, रंगानाथन के अनुसार सेवा ही कर्मचारी का धर्म है, प्रतिफल की कामना नहीं, यह वाक्य किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र से, पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र से, पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे सूत्र से,
पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र से, है ना। रंगनाथन के अनुसार सेवा ही कर्मचारी का धर्म है, प्रतिफल की कामना नहीं, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र से संबंधित है। 35, पुस्तकें संरक्षणार्थ है, इस कथन को डॉक्टर रंगनाथन के किस सूत्र ने प्रतिपादित किया है? पहले सूत्र ने, जो अभी अपडेट हो रहे हैं सभी, धीरे धीरे सारे अपडेट होते हैं, तो अब एक और इसमें नया शब्द जुड़ गया है, पुस्तकें संरक्षणार्थ ना होकर के उपयोगार्थ है। ठीक है, पहले था कि संरक्षणार्थ है, तो अब इसका ये भी हो गया कि उपयोगार्थ है, पुस्तकें उपयोगार्थ है, तो वह पहले प्रथम सूत्र से। अगला है 36 नंबर आपका, कि राज्य में पुस्तकालय तंत्र की स्थापना करना पुस्तकालयों के सर्वतोमुखी एवं संतुलित विकास के लिए आवश्यक है, इस कथन का संबंध किससे है? प्रथम सूत्र से, दूसरे सूत्र से, तीसरे सूत्र से, चतुर्थ सूत्र से? किस सूत्र से रहेगा? दूसरे सूत्र से। हमें 5 लॉज पूरे पता होने चाहिए, इनमें विरोधाभास जो रहते हैं वो हमारी समझने की वजह से ही रहते हैं, बाकी यानी स्पष्ट रंगनाथन ने हर चीज को यानी पूरा इन्हीं में दे रखा है। ठीक है, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे टॉपिक को। अगला जो 13 नंबर पेपर आएगा उससे पहले हमें इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि उसमें पूरे 50 क्वेश्चन इन्हीं में से रहेंगे, सूत्रों से ही रिलेटेड है पूरे 50 के 50। 13 नंबर पेपर, हम पूरे एक से लेकर के अभी तक 32 पेपर हो चुके हैं, उनका रोज सॉल्यूशन करेंगे, और निरंतर बुधवार और शनिवार को वहाँ पे ऑनलाइन निःशुल्क टेस्ट सीरीज रहती है, 50 क्वेश्चन का पेपर, एग्जाम डेट आने के बाद में वो 100 क्वेश्चन का पेपर प्रोवाइड रह जाएगा, तो जिनका हम सॉल्यूशन कहेंगे। और यूट्यूबर्स से निवेदन रहेगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। अगला है आपका 37, नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज किस सूत्र की मांग को करता है? नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज किस सूत्र की मांग को करता है? ऑप्शन है हमारा प्रथम सूत्र, तृतीय सूत्र, पंचम सूत्र या द्वितीय सूत्र। सही ऑप्शन रहेगा आपका द्वितीय सूत्र से। किसमें? 36। राज्य के पुस्तकालय तंत्र की स्थापना करना पुस्तकालय के सर्वतोमुखी संतुलित विकास के लिए आवश्यक है, दूसरे सूत्र से संबंधित। ठीक है, 38 है आपका, पुस्तकालय में प्रदान की जाने वाली इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा किस सूत्र से संबंधित है? इंटर लाइब्रेरी लोन आपको दूसरे सूत्र से संबंधित है, मैं हमने बताया होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, विलंब से पुस्तकें लौटाने तथा दंड भोगने की पाठकों की प्रवृत्ति से पुस्तकालय विज्ञान के कुछ सूत्र की अवहेलना होती है? ऑप्शन है आपके सामने प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र या पंचम सूत्र। सही आंसर रहेगा आपका द्वितीय सूत्र। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, पुनर्विन्यास पाठक को पुस्तक की ओर आकर्षित करने का अवसर करता है, यह कथन किससे संबंधित है? पुस्तकालय सूत्र के तीसरे सूत्र से संबंधित है, इसका सही उत्तर रहेगा तृतीय सूत्र। पुनर्विन्यास पाठक पुस्तक की ओर आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है, यह हमें तीसरा सूत्र बताता है। अपूपा, अपूपा विधि क्या है? पुस्तकों को जमाने का क्रम। ठीक है, तो यह पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? सही, पुस्तकालय में व्यवस्थित किताबें मिलेगी, यह किससे संबंधित रहेगा? द्वितीय सूत्र से, है ना। और 42 नंबर है अगला क्वेश्चन आपका, आवश्यकता होने पर अपूपा की चारों यानी पांचों शरण रहते हैं जिसके अनुसार दर्शाए जाते हैं, तो वो आप देख लीजिए, है ना। और 42 नंबर है आपका, आवश्यकता होने पर वर्गों की निरपेक्ष स्थिति का पालन करने से पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र का पालन होता है? चतुर्थ सूत्र, दूसरा सूत्र, प्रथम सूत्र या तीसरा सूत्र? क्या पूछा है? आवश्यकता होने पर वर्गों की निरपेक्ष स्थिति का पालन चौथे सूत्र से समय को बचाने के लिए किया जाता है, पाठक का समय कैसे बचे उस स्थिति में हम चौथे सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका 43 है, पुस्तकालय में विभिन्न गाइड्स का प्रयोग करने से पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र का पालन होगा? ऑप्शन है हमारा पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तृतीय सूत्र या चौथा सूत्र। गाइड्स, गाइड्स से पता चलता है कि समय बचेगा, तो चौथे सूत्र।
अगला क्वेश्चन है, दाब सफाई टूलिंग किससे संबंधित है या क्या है? ऑप्शन है आप पुस्तकों को प्रिंट करने का उपकरण, पुस्तकों के स्पाइन टैग की सफाई, कलात्मक सफाई या आधुनिक सफाई। तो दाब सफाई का मतलब है पुस्तकों के स्पाइन टैग की सफाई। स्पाइन टैग पुस्तक पे कितने सेंटीमीटर ऊपर लगता है यह भी हमें पता होना चाहिए। नहीं, 1.25 सेंटीमीटर ना, नोट डाउन कर लीजिए। किताब के ऊपर जो स्पाइन टैग लगता है वो पुस्तक से नीचे से, यानी 1.25, जो नीचे का इंडेक्शन रहता है उससे ऊपर 1.25 सेंटीमीटर। 45, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा सूची पत्रकों को मुद्रित करवाने से पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को प्रमुख रूप से पूरा किया गया है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा सूची पत्र को मुद्रित करवाने का तात्पर्य क्या रहा, कि किताब कौन सी है कौन सी नहीं है उनका पता चल जाए और जिससे पाठक का समय बचे, चौथे सूत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर रहेगा बी, चतुर्थ सूत्र। पुस्तकालय के नियोजन, प्रबंधन, संगठन का संबंध पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से है? पंचम सूत्र से, तृतीय सूत्र से या प्रथम सूत्र से, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा पंचम सूत्र से। अगला क्वेश्चन है आपका, मीनार रूपी संग्रह कक्ष की मांग पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? मीनार रूपी संग्रह कक्ष की मांग, अभी ऊपर भी हमने पढ़ा है नियोजन, प्रबंधन, संगठन, ठीक है। प्रथम किससे ये संबंधित है? प्रथम सूत्र से, द्वितीय सूत्र से, तृतीय सूत्र से या पंचम सूत्र से? मीनार रूपी संग्रह कक्ष की मांग पंचम सूत्र से रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 48 क्वेश्चन है अपना। फिनलैंड देश के दो लेखक कौन कौन से थे? कुरेनेन और पेकरनेन, लिख लीजिए। फिनलैंड के दो लेखक हैं जो कुरेनेन और पेकरनेन ने डॉक्टर रंगानाथन के 5 सूत्रों को भी अपर्याप्त बताते हुए इन्होंने अपने 2 सूत्र दिए हैं। किन 2 सूत्रों को, इन 6ठे और 7वें सूत्र का प्रतिपादन किया है? 4 विकल्प हमारे दे रखे हैं तो इसमें विकल्प गलत है। पहले ए और बी दोनों दिए हैं, 6ठे नंबर पे दिया है प्रत्येक पाठक का अपना पुस्तकालय हो और 7वां रहेगा आपका प्रत्येक लेखक का पुस्तकालय में योगदान हो, ये दोनों ही रहेगा 6ठा और 7वां, है ना, ए और बी। डेटा द्वंद शब्द अगला है, 49 क्वेश्चन। डेटा द्वंद शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे सामने सूचना के प्रकार से, सूचना के रूप से, सूचना विस्फोट से या इनमें से सभी। डेटा द्वंद सूचना विस्फोट से रहता है, लेकिन हमारे सामने यहाँ ये है कि ऑप्शन में डी ऑप्शन जो है वो इनमें से सभी दे दिया, तो हमें 3 विकल्प पे विचार करना चाहिए कि क्या ये इससे मिलते जुलते हैं। अगर चौथा ऑप्शन ये दे देता है इनमें से कोई नहीं, जब तो हम सीधा कर लेते कि सूचना विस्फोट से संबंधित है, लेकिन क्या सूचना के प्रकार में भी ये शामिल हो सकता है, सूचना के रूप में भी ये शामिल हो सकता है या सूचना के विस्फोट में ही काम आएगा? तो ये उपयुक्त सभी में रहेगा। अगर डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होता तो पर्टिकुलर हम इसमें सूचना विस्फोट सही आंसर मान लेते हैं, ठीक है। अगला है आपका अंतिम प्रश्न, सूचना साक्षरता मानक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1996, 2000, 1998, 1994। 50 नंबर प्रश्न है, सूचना साक्षरता मानक का प्रकाशन वर्ष, सही आंसर रहेगा 1998, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे सामने ऑप्शन भी है 2000 में ऐसा क्या हुआ हमें ये पता करना चाहिए, यानी प्रश्न आया है हमारे सामने तो हमें कैसे याद रहेंगे, सन वैसे तो याद नहीं रहेंगे, तो हमें रिलेटेड करने होंगे कि क्या इसमें भी कोई घटना घटी है इस सन में, तो उससे क्या होगा हमारे सन का जो फीवर है वो कम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में हमारे सामने आया 2000, तो 2000 में एक एक्ट लागू हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो आप 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ है, और 1998 है तो इसमें ASL के द्वारा इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग द पार्टनरशिप ऑफ डेयरिंग नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया 1998 में, तो उसके जस्ट बाद में 1999 में
स्कॉल नामक यानी सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के द्वारा सेवन पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी का प्रकाशन भी किया गया। तो ये हमारा 2 नंबर का सॉल्यूशन था। कल हम 3 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह कंटिन्यू पूरे यानी कि अब तक 32 हो चुके हैं, जिसमें 1 नंबर पेपर विनीता मैम चौहान द्वारा करवा दिया गया था, मैम द्वारा, जिसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। और सभी यूट्यूबर्स का धन्यवाद, आपने हमें देखा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को पसंद आया है तो शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल।